हर किसान का सच्चा साथी सोनालिका ट्रैक्टर, अधिकृत विक्रेता साक्षी ट्रैक्टर्स एंड मोटर्स, प्रोप्राइटर वीरेंद्र पूनम पटेल। हमारा पता है कृषि उपज मंडी के आगे खुरई रोड, सागर, मध्य प्रदेश। नमस्कार, मैं हूं ब्रह्मदत्त दुबे, आप सागर एक्सप्रेस न्यूज का खास कार्यक्रम देख रहे हैं। झूठ भी बड़े अजीब हैं, लेकिन आज हम आपको एक ऐसा झूठ दिखा रहे हैं जो मध्य प्रदेश के सागर के रहली से जुड़ा है, क्योंकि इस झूठ ने एक गरीब गरीबी का मजाक उड़ाया है। जी हाँ, 2.5 महीने पहले यह खबर थी जो पूरे हिंदुस्तान में सुर्खियां बनी कि 12 साल की नैना भूख की वजह से एक मंदिर में 250 रुपए की चोरी करती है, पुलिस उसे जेल भेज देती है। फिर मीडिया जब इस खबर को दिखाता है तो आनन फानन में प्रशासन इसकी जमानत लेता है और मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री कमलनाथ ट्विटर पर ये लिखते हैं कि हम 1,00,000 रुपए इस बच्ची को प्रदान करते हैं। इस पर नेता जो विपक्ष के हैं, शिवराज सिंह चौहान जो पूर्व मुख्यमंत्री हैं, वो लड़की से बात भी करते हैं। इन तमाम चीजों के बीच में कमलनाथ अपने खासम खास मंत्री हर्ष यादव से कहते हैं कि जरा बच्ची का हालचाल पूछ कर आओ। लेकिन 2.5 महीने गुजर जाने के बाद अब यह खबर है और ये आरोप है कि इस बच्ची को और इसके परिवार को धेला नहीं मिला, कहां गया वो 1,00,000 रुपए। जी हाँ, नेता प्रतिपक्ष गोपाल भार्गव के बेटे अभिषेक भार्गव जो युवा मोर्चा के नेता है, उनने इस गरीब के दरबार से आरोप कमलनाथ पर लगाए हैं कि कमलनाथ जी कहां गया 1,00,000 रुपए। देखिए इस खास रिपोर्ट को सागर एक्सप्रेस न्यूज के साथ। मध्य प्रदेश की सरकार वचन वाली सरकार है, लेकिन आज हम सरकार के वचन और वादों की एक ऐसी तस्वीर दिखा रहे हैं जिसको देखकर आप कहेंगे बातें हैं बातों का क्या। बीते माह मध्य प्रदेश के सागर जिले की रहली में उस वक्त हंगामा मच गया था जब 12 साल की नैना ने भूख की खातिर मंदिर में चोरी की और पुलिस ने उसे जेल भेज दिया था। सियासत का हंगामा इस कदर मचा कि आनन फानन में मासूम की जमानत प्रशासन ने करवाई और प्रदेश के मुख्यमंत्री कमलनाथ ने मासूम को 1,00,000 की आर्थिक सहायता भी प्रदान की। पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने भी मासूम नैना से फोन पर हालचाल पूछा, कहा कि पैसे मिल गए हैं कि नहीं। बस मैंने कहा एक बार बेटी की हालचाल पूछने फोन किया था मैंने, ठीक है ना? ठीक है सर। ठीक है, और बाकी सहायता भी मिल गई आपको? हाँ मिल गई। हाँ, वो 1,00,000 रुपए का चेक मिल गया? अभी नहीं मिला था। अभी नहीं मिला? हाँ जी। अभी क्या क्या मिला है? तो जो नहीं मिला उसको मैं देखता हूँ। अभी क्या क्या मिला है हमको? सिलेंडर मिल गया है। हाँ हाँ। और गेहूँ भी मिल गए हैं, चावल भी मिल गए हैं, राशन कार्ड भी बन गया है। राशन कार्ड पहले नहीं था आपका? हाँ नहीं था, कभी बना ही नहीं, मतलब आज तक बना था, सफेद वाला बना था सर। जाते हैं? हाँ। कौन सी क्लास में पढ़ रही हो? सातवीं। सातवीं, तो कोई भी पढ़ाई में दिक्कत आए तो मामा को बताना है कि नहीं। इसके बाद सियासत उस वक्त गरमाई जब कमलनाथ के खासम खास मंत्री हर्ष यादव नैना के रहली स्थित झोपड़ी पहुंचे। प्रशासन ने उससे पहले नैना के पिता के घर में बिजली कनेक्शन के साथ राशन पानी और बच्चों को स्कूल बैग दे दिए थे। नैना की माँ इस दुनिया में नहीं थी, नैना ही अपने 3 भाई बहनों को पालती थी और पिता दिहाड़ी मजदूरी करता था। मंत्री हर्ष यादव के रैली आने के बाद नेता प्रतिपक्ष गोपाल भार्गव ने सरकार और मंत्री जी पर इसी मामले को लेकर तंज कसा, तो जवाब में मंत्री हर्ष यादव ने भी एक हाथ की चिट्ठी लिखकर गोपाल भार्गव का विरोध कर डाला। अब यह खबर है, भाजपा का आरोप भी है कि राजनीति तो बहुत हो गई, अब प्रशासन और कमलनाथ जी जरा यह पता लगा ले इस परिवार की कुटीर तो दूर, जो 1,00,000 की सहायता की कमलनाथ ने घोषणा की थी वो भी इस परिवार को नहीं मिली। हद तो तब हो गई कि उसके बाद प्रशासन का परिंदा इस गरीब के घर नहीं पहुंचा, ना ही बैंक का खाता। यह आरोप नेता प्रतिपक्ष गोपाल भार्गव के बेटे अभिषेक भार्गव ने उस गरीब की झोपड़ी के सामने खड़े होकर लगाए हैं। मजदूर उसकी बिटिया से जब अभिषेक भार्गव ने पूछा कि 1,00,000 रुपए आए हैं कि नहीं, तो इस परिवार को 1,00,000 रुपए के बारे में मालूम ही नहीं। अब सरकार के मंत्री भी बताएं जो एक हाथ की चिट्ठी लिख रहे थे, क्या वो अब जवाब देंगे या फिर कमलनाथ जी यह स्पष्ट कर पाए
कि बच्चों को पैसा मिला है कि नहीं। जब उस घर में गया, वहाँ की परेशानियाँ देखी, तो निश्चित तौर पर मैंने एक वीडियो संदेश के माध्यम से आदरणीय कमलनाथ जी से गुजारिश की है कि जब आप कहते हैं कि वचन की पक्की सरकार कमलनाथ सरकार, तो निश्चित तौर पर आपने जो वचन उस गरीब परिवार की सहायता के लिए दिया था, मैं चाहता हूँ कि वह वचन आप निभाएं, अन्यथा आपको हम सभी लोग, वह परिवार और दिल्ली विधानसभा क्षेत्र की जनता आपको एक महीने का समय देती है, अगर आप एक महीने में उस परिवार की सहायता नहीं करते हैं, जो वचन आपने दिए उन्हें पूरा नहीं करते हैं, तो मैं उस परिवार को लेकर भोपाल में आपके निवास पर आऊंगा और उस निवास पर आकर आपको आपके वादे याद दिलाऊंगा, ताकि हो सकता है यहाँ से हमारी आवाज आप तक ना पहुंच रही हो। तो अगला जो कार्यक्रम रहेगा वह उस पीड़ित परिवार को साथ में ले जाकर आपको आपके वचन याद दिलाने का हमारा कार्य। बहरहाल सियासत की बटोलेबाजी में गरीब आज भी गरीब है, जबकि सरकार ने मदद देने की सारी फोटो खिंचवा कर पहले ही वाही वाही लूट ली। बाहरी राजनीति तुम भी बड़ी कमाल की हो। राहुल सिंह हिलगन के साथ परवीन सोनी, सागर एक्सप्रेस न्यूज, रहली। विज्ञापन के लिए संपर्क करें 9827137475 9999376776।